नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और कहानी के बारे में जिसका नाम है दूध का दाम। शहर में दाइयां, नर्स, डॉक्टर सब पैदा हो गए, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे, जच्चे खाने में सुधार चाहते थे, पर इसमें बाधा थी। नर्स देहात आने को तो राजी ना होती, और अगर होती तो इतनी फीस मांगती कि महेशनाथ जी को सिर झुकाना होता। डॉक्टर के पास जाने की तो हिम्मत ना होती, क्योंकि इसमें उनकी आधी जायदाद बिक जाती। तीन कन्याओं के बाद महेशनाथ को पहला लड़का हुआ, जिसका नाम था सुरेश, और इस समय भी वही गूदड़ था और उसकी बहू भूंगी। महेशनाथ की पत्नी मोटी ताजी देवी थी, पर इस बार उन्हें दूध ना हुआ। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी थी। मालकिन कहती, मेरे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना, 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी। दूसरी ओर भूंगी का पुत्र ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता व दिन ब दिन दुबला होता जाता था। अब भूंगी की आवाभगत हो रही थी। अब तो महेशनाथ के घर में भूंगी का ही राज था, सब उसका रौब मानते थे, मालकिन भी उनसे दबती थी। एक समय था जब महेशनाथ कहते थे भंगी को आदमी बनाना कठिन है, और भूंगी ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाता है। लेकिन अब भूंगी की आवाभगत कर रहे हैं। मोटे राम शास्त्री ने महेशनाथ से कहा कि तुम्हारा बेटा भंगिन का रक्त पीकर पला है, इसीलिए प्रायश्चित करवा लीजिए। महेशनाथ जी ने प्रायश्चित तो ना किया, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। दान में लेकिन उसे बहुत कुछ मिला था, सोने के चूड़े, सुंदर साड़ी इत्यादि। इसी साल प्लेग से गूदड़ मर गया। एक बार महेशनाथ के घर का परनाला भूंगी साफ कर रही थी, वहां से अचानक एक सांप निकला जिसने भूंगी को काट लिया और भूंगी की भी मृत्यु हो गई। अब भूंगी का पुत्र मंगल अनाथ हो गया। महेशनाथ का पुत्र सुरेश हट्टा कट्टा था, जबकि मंगल दुर्बल व सदा रोगी रहने वाला था। दिन भर मंगल महेशनाथ के घर के द्वार पर मंडराता। घर में इतना जूठन बसता कि ऐसे 10-5 बालक तो ऐसे ही पल जाते। उसे खाने की कभी कमी न थी। उसे इस बात का बुरा लगता कि उसे मिट्टी के कसोरों में खाना दिया जाता है। गांव के लड़के उसका अपमान करते, कोई उसे अपने साथ ना खिलाता। मकान के पास नीम के पेड़ पर उसका डेरा था, किंतु अब वह स्वस्थ था। उसका कोई अपना था तो एक कुत्ता जिसका नाम था टॉमी, दोनों एक ही साथ खाना खाते थे। एक दिन कई लड़के खेल खेल रहे थे। सुरेश ने मंगल को खेल में शरीक कर लिया। बोला, क्यों बे मंगल, खेलेगा? मंगल ने कहा, मालिक ने देखा तो चमड़ी उधेड़ देंगे। सुरेश ने कहा, यहाँ कोई नहीं आता, हम सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बन और हम सवारी करेंगे। मंगल ने कहा, मुझे भी सवारी कराओगे? उन्होंने मना कर दिया और कहा, नहीं, तू भंगी है, तुझे कौन सवार करेगा? पर इसके बाद तो उन लोगों ने कहा, अच्छा हम भी बन जाएंगे। मंगल ने कहा, पहले मैं सवारी करूँगा। सुरेश और उसके दोस्तों ने अब मंगल को घेर लिया और ज़बरदस्ती उसे घोड़ा बनाने लगे। जैसे ही मंगल ने अपनी पीठ सिकोड़ी तो सुरेश गिर गया और रोने लगा। अब वह रोते रोते माँ के पास गया और बोला, सुरेश ने छू लिया। माँ को विश्वास ना आया, पर जब वो कस्में खाने लगा तो मंगल को डांटने लगी। मंगल ने कहा, मैंने नहीं छुआ इसे, ये तो गिर पड़े तो रोने लगे। देवी जी ने अब छड़ी उठाई, मंगल को गाली दी और वहां से निकाल दिया। उसने अपना सामान उठाया और खंडर में चला गया। खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी वहीं पर आ गया। मंगल ने कहा, मालकिन हमें खोज रही होगी क्या टॉमी? देखें हमें कोई खोजने आता है क्या? अच्छा वहाँ, मंगल ने कहा, अच्छा वहाँ चलते हैं
मैं छिपा रहूँगा, अगर किसी ने मेरा नाम ना पुकारा तो वापस आ जाऊँगा। नौकर अब बातचीत कर रहे थे, एक ने कहा मंगलवा दिखाई नहीं देता। मालकिन ने भगा दिया साइत। दूसरे ने कहा अच्छा हुआ, हर दिन भंगी की शक्ल देखनी पड़ती थी। अब बहुत देर हो गई, किसी ने मंगल को न पुकारा। जैसे ही वापस जाना चाह रहा था, कहार पत्तल में थाली का जूठन लेते नजर आया। अब वह अंधेरे से प्रकाश की ओर आया। कहार ने कहा अरे यहाँ था तू, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। अब उसने पत्तल मंगल के हाथों में दे दिया। मंगल और टॉमी खाना खाने लगे। वह टॉमी से कहता यह लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिलाई। मंगल ने कहा सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। मंगल कहता है लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।